बता, भव्य मंदिर क्यों बनाते हैं? भव्य मूर्तियां क्यों बनाते हैं? कोई कारण है या नहीं है? उन्होंने बड़ी सेवा की है, किन्होंने? लक्ष्मी ने, नारायण ने। श्रीमती के अनुकूल सेवा लक्ष्मी नारायण ने की है, जगदम्बा ने श्रीमती के अनुकूल सेवा नहीं की है, क्योंकि उसको जगत अम्बा बनना है, सिर्फ सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की अम्बा नहीं बनना है, जगत में इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन सभी है, सबकी अम्बा बनना है, नास्तिकों की भी अम्बा बनना है। इसलिए द्वापर के अंत में जब कलयुग शुरू होता है तब देवियों की पूजा शुरू होती है। और बाबा ने बोला है कि देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से हैं सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। तो सारी दुनिया में दूसरे धर्म वाले हैं या नहीं है? हैं? इसलिए बताया कि वो सबसे बड़ा माछला है। चाहे बेसिक की हो, चाहे एडवांस की हो, जो भी सागर में पलने वाली मछलियां हैं उन सबको पेट में डाल करके बैठेगी कौन? जगदम्बा। सांप को कंट्रोल करेगी। हाँ, क्या पूछ रहे? अंतिम समय में हल्दी का लेप लगा के, हाँ, क्रियाकर्म क्या करते हैं? जलाते हैं? जलाते थोड़े ही हैं? जलाते नहीं है। कुमारी की शादी नहीं होती है, उसको जलाते नहीं है, उसको नदी में प्रवाह कर देते हैं। हैं? हैं? मिट्टी में दबा देते हैं, वही बात। मिट्टी माने पृथ्वी, पृथ्वी माने जगदम्बा। नदी में बहाना, नदियों में सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा। गंगा में बहाना है। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक होती है। क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है। कन्याओं को संग का रंग ज्यादा लगता है, कुमार है, कन्याएं हैं, अधर कुमार हैं, अधर कुमारियां हैं, सबसे जास्ती संग का रंग किसको लगता है? बोलो, कन्याओं को। इसलिए भारतवर्ष में कन्याओं की बड़ी सुरक्षा की जाती है। अंतिम समय जब होता है ना सृष्टि का, तो भी जो कन्या जीवन है उनको हल्दी का लेप लगाते हैं। हल्दी का लेप का मतलब है एंटीसेप्टिक स्थान में रखते हैं। उनको कोई भी लेप छेप न लग सके। बाबा कहते हैं मिनी मधुबन है सेफ।
दुनिया में गारंटी नहीं है कन्याओं के लिए, लेकिन कहाँ गारंटी है? मधुबन में गारंटी है। और गीता में 5000 वर्ष का मतलब ये सृष्टि का ड्रामा है। गीता में नहीं है 5000 वर्ष का ड्रामा। गीता में तो द्वापर में लिखी गई है ऐसे बताते हैं, जो महाभारत युद्ध द्वापर में हुआ, बाद में गीता लिखी गई। ये जो 2015 का जो दिखाते हैं, हाँ, ये 2500 से इधर का दिखाते हैं। नहीं, 5000 वर्ष तो पूरा होगा, जब संबत 1-1 शुरू होगा तो 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा हो गया। ये भक्तों का कैसे पूरा होगा? भक्तों के बीच में सबसे बड़ा भक्त कौन? ऐसे 500 करोड़ की दुनिया है, उसमें भक्त भी है, ज्ञानी आत्माएं भी है। ज्ञानी आत्माएं है रुद्रमाला है ना, और भक्तात्माएं हैं विजयमाला। विजयमाला की हेड क्या है? हैं? वो सुनने सुनाने में ज्यादा मस्त है या ज्ञान की बातों में ज्यादा मस्त है? हैं? दीदी दादी दादाएं जो सुनाते हैं उसमें विश्वास करती है कि बाबा की मुरलियों को ज्यादा पकड़ती है, सुनने सुनाने में ज्यादा। तो सुनने सुनाने में विश्वास रखने वाले, सुनना और सुनाने का काम करने वाले, समझते कुछ भी नहीं है, समझाते कुछ भी नहीं है, तो उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? भक्तों की श्रेणी में या ज्ञानी की श्रेणी में? भक्त है। और क्या गुरुद्वारे के अंदर कथा पढ़ ली? जिन्होंने सुन लिया वो पास करो आगे। महोबा में? अच्छा, बालाघाट में। हाँ जी, वहाँ एक भाई पुराना भाई है, छोड़ दिया था और अभी कंटिन्यू हो गया है। कंटिन्यू है जी। तो वो बाबा से देना, देखो बाबा ने तो दुनिया वालों के लिए भी बोला है, हमें क्या चाहिए? हमें 3 पैर पृथ्वी चाहिए। ऐसे थोड़े ही बोला, जो ज्ञान में चलते होंगे उनसे ही 3 पैर पृथ्वी चाहिए, ऐसे बोला? नहीं बोला। कोई भी हो 3 पैर पृथ्वी देगा, राजा बलि राक्षसी कुल था या देवताई कुल था? राक्षसी कुल था, उसे क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी मांगी। तो ज्ञान में चलता है नहीं चलता है, एडवांस में चलता है या नहीं चलता है, ये सवाल नहीं। बाबा का सवाल क्या है, क्या चाहिए? हैं? बाबा को अपना काम करने के लिए 3 पैर पृथ्वी चाहिए।
तो वो तैयार है तो बाबा भी तैयार है। हाँ हाँ ठीक है, जो अधूरा है वो यज्ञ में जो दो चार इंजीनियर हैं उनसे राय ले करके मकान कंप्लीट करें। हाँ जी हाँ जी, लगाए बनाए हैं। हाँ जी हाँ जी, चलेगा चलेगा। कार सेवा तो आज तक भी भक्ति मार्ग में चलती चली आ रही है। मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में कार सेवा करते हैं ना, तो तन की सेवा है। हाँ, और बाकी चंदा नहीं मांगना है धन का। हाँ हाँ, चंदा नहीं मांगना है, ना नहीं मांगना है। हाँ तो ये तो पूछ रही हूँ। हाँ कि जैसे अभी गवर्नमेंट दुनिया भर का लोन दे रही है, गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा लोन दे रही है पब्लिक को। हाँ। तो वो लोन लेना है तो भी नहीं लेना है। मुरली में तो बोला है, क्या बोला है, लोन नहीं लेना है। अपने आप कोई देता है वो भी, हम दूसरे से क्यों लें, हमें भर के देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। हम तो अपने बाप से लेते हैं और उसे क्यों लें। है फरवरी में आप जब आए थे तो नक्शा भेजे थे विश्रामपुर के। फरवरी में जब आप आए थे नक्शा भेजे थे विश्रामपुर के, तो नक्शा मतलब बना के कहीं कहीं मतलब गलत कहीं सही करके दिए थे बाबा राय करके, बाबा राय करके नक्शा भेजे थे। वो नक्शा भेजा था, नक्शा उसको ठीक करके भेज भी दिया था वापस, ऐसे ऐसे बनाना है। हाँ यहाँ पर फिर वापस दिया था। हाँ जी हाँ जी, उसने ये कहा कि जैसे जो पहले का रूम बना हुआ है वो रूम जैसे उसे ऊपर मंजिला नहीं बन सकता है अगर उसके नीचे से मजबूत नहीं देंगे तो। वो तल्ला बनाने की बात थी ना कि लेंटर डालना, तो उसके नीचे अगर हम मजबूती नहीं देंगे ऐसे तो हल्का फुल्का मतलब होगा कि इतनी पड़ेगा भाई से। तो पर्सनल बात है, बाद में कर लेना। बाद में फिर मौका नहीं देते हैं ना पूछने का, बहुत परेशानी होती है बाबा। और ओ, ओ, रहे हैं। वो ईमेल से तो कनेक्शन होता है, चिट्ठी से तो कनेक्शन होता है। चिट्ठी तो बहुत लेट आती जाती है और ईमेल में कर नहीं पाती हूँ इसलिए मेरा को। ये बातें करने तो आप क्लास का सारा टाइम ले लेंगे। नहीं बाबा मेरा कहना था, सुन लीजिए मेरा कहना यह था कि एक बार बाबा अगर आ जाते गीता पाठशाला में और कम खर्च में ऊपर का मंजिल नहीं बनाने के लिए जगह तो काफी नीचे पर्याप्त, अगर एक बार उसको राइट कर देते कि इस बार तो सेट कर दीजिए, उसी में हम कम खर्च में कम। बाबा कब कहते हैं हमें ज्यादा खर्च चाहिए, नहीं तो क्योंकि कमरा भी अधिक है जगह भी अधिक है तो ऊपर से क्या है, नीचे ही जगह उतनी पर्याप्त है फिर ऊपर से क्या हो, उसके बाद में जब संख्या बढ़ती तो ऊपर होगा। नीचे छोटे छोटे कमरे होते हैं, जब कोई मासिक संगठन होता है या संडे को इकट्ठे होते हैं तो किसी सेंटर में तो बहुत ज्यादा है, उन छोटे कमरों में नहीं बैठ पाते। गीता पाठशाला लगी बात दूसरी है, हॉल के लिए ही जगह है, हॉल के लिए ही जगह है, नीचे में इतना बड़ा हॉल अगर हम चाहें चौड़ाई कम और लंबाई ऐसे हॉल हो जाए बनाइए, कौन मना करेगा। तो भाई आए थे दिखा भाई वहाँ से देखने के लिए, तो बोले कि माता जी अपने मन से आप बना देंगे फिर है? अपने मन से आप मत बनाइए। हाँ। मैं बोली फिर आप जैसा बताइए उधर से जाकर, तो अभी तक तो कुछ नहीं खबर आया। वो आप अपनी खबर भेजेंगे तभी तो कोई भेजा जाएगा। हमारी खबर यही है कि हम मतलब नीचे आप
आप सक्षम हैं तो काम होगा। नीचे ऊपर सक्षम नहीं हम हो पा रहे, नीचे तक काम कर लेंगे। छत नहीं, ये नीचे जो सक्षम है उसका नक्शा भेजिए, क्या बनाना चाहते हैं। हाँ हाँ जी बाबा कहते हैं कि भारतवासी सुनी सुनाई बातों में दुर्गति को पाए, मंत्रा को कुबड़ी क्यों दिखाया है। कुबड़ी उसे कहा जाता है जिसका बैकबोन टूटा हुआ है। बाबा ने बोला घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, 73 में बोला। तो ब्राह्मणों का बैकबोन कौन हुआ है? अरे ब्राह्मणों का बैकबोन शिव बाबा हुआ ना, बाप दादा हुआ ना। तो जो कुबड़ी है उसने कोई ऐसा कर्म किया है जिससे बैकबोन बाप दादा टूट गया। विश्वास नहीं रहा, बाप दादा की नजरों से कभी उतर गई थी। फिर दिखाया है कि वो भक्ति भाव उसमें था। कंस की बहुत भक्ति कर रही थी। अब भक्ति पूरी होती है तो क्या होता है, भगवान मिलता है, तो उसकी भी भक्ति पूरी हो गई। बाबा तो कहते हैं तुम जिसकी भी पूजा करते हो, हनुमान की करते हो, गणेश की करते हो, देवी की करते हो, वृक्ष की करते हो, हाथी की करते हो, बंदर की करते हो, मैं उसी रूप में तुमको फल दे देता हूँ। तो वो कंस की पूजा करती थी, फूल ले जाती थी, अगरबत्ती ले जाती थी, लेप ले जाती थी। उसकी जब भक्ति पूरी हो गई तो भगवान ने उसको फल दे दिया, बैकबोन सीधी हो गई। और हैं अन्य प्रश्न बहुत जगह सुनाई जाती है, एक अन्य प्रश्न में थोड़ी हाँ। अभी मुरली में जैसे एक पॉइंट बताया कि घबरा मत बाप दादा, किसी भी वैक्सन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। हाँ, तो ये वैक्सन है या व्यक्ति है? व्यक्ति व्यक्ति जो है वो किताब में छाप दिया है। व्यक्त तन और व्यक्ति एक ही बात हो गई। अव्यक्त तन अलग बात और व्यक्त तन, व्यक्त कहा जाता है जो आँखों से दिखाई पड़े और अव्यक्त वो कहा जाता है जो इन आँखों से दिखाई। आत्मा क्या है? अव्यक्त है। और शरीर क्या है? व्यक्त है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा कहो वो भी एक ही बात, और व्यक्त तन के द्वारा कहो वो भी एक ही बात। हाँ नहीं, एडवांस कोर्स पुस्तक में मैं पढ़ा था अपने बाबा कि उसमें ये बताया है कि मुझे पॉइंट में है वास्तव में व्यक्त तन द्वारा। हाँ, तो इसका कटिंग करके वहाँ पे बेसिक वालों ने व्यक्ति द्वारा करके, वो तो गुलजार दादी को दिखाएंगे ना। हाँ जी, जो माउंट आबू में बाबा ने बोला और उसी समय उसी दिन जो साइक्लो स्टाइल से वाणी छपाई गई या टाइपराइटर से टाइप की गई उसका साइक्लो स्टाइल निकला, उसमें पहली बार छपाई हुई वाणी में व्यक्त तन लिखा हुआ है। गुलजार दादी तो अव्यक्त तन है कि व्यक्त तन है? वो तो अव्यक्त तन है। तो बात को घुमाने के लिए उन्होंने किताब में
ऐसे छाप दिया। हाँ जी, गुलजार दादी तो व्यक्ति ही है ना, तो बात को घुमा दिया। नमक थोड़ा होता है और आटा ज्यादा होता है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बैठ गया कि शास्त्रों में ज्ञान बहुत थोड़ा है और बाकी सब भक्ति का भूसा भरा पड़ा है। लेकिन ऐसे नहीं है, नमक पानी में घोल करके जब आटे में मिलाया जाएगा तो उसके कण कण में नमक है या नहीं है, है? है। इसका मतलब कि शास्त्रों के प्रत्येक श्लोक में शब्द शब्द में एक टाइम आएगा कि क्लेरिफिकेशन मिलेगा। नहीं समझे? वो कण कण में जो सच्चाई भरी हुई है उसका क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा ईश्वरीय ज्ञान में। जैसे मुख्य शास्त्र है गीता, तो गीता के हर श्लोक में हर एक शब्द में वो नमक मिसल सच्चाई भरी हुई है या नहीं, तो वो सच्चाई बाप उद्घाटित करेगा टाइम टू टाइम। बाप दादा उद्घाटित करेंगे, बाप दादा कहा जाता है राम और कृष्ण को, रामकृष्ण की आत्माएं प्रवेश करती हैं बच्चों में। शिव तो मुकर्रर रथ एक में ही आता है, तो बाप दादा बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं करता रहेगा। और अरे बनाया किसने है? कौन से बच्चों ने बनाया होगा, ये अनुमान है या निश्चित है? बनाया किसने? अरे मनुष्यों ने बनाया या बाबा ने बनवाया है? बाजार में मिलता है? बाजार में तो बाबा ने बता दिया ना, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो मन में आया वो बनाया। अभी ब्रह्मा कुमारियों में ढेर के ढेर चित्र बन रहे हैं कि नहीं है? बन रहे हैं। हमें तो बाबा के बनाए हुए चित्रों पर विश्वास है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाबा, हाँ, बाबा ने बोला है कि जिस परिवार का कोई भी एक सदस्य ज्ञान चल रहा है उसका पूरा परिवार ज्ञान में आवेगा। हाँ। और अभी तो ऐसे भी है कि बाबा जो बिना ज्ञान उठाए नहीं सभी छोड़ दिए, तो फिर उनको कैसे कहेंगे कि ज्ञान में आएगा? मैंने बाबा आत्मा के लिए बात करते हैं या शरीरों के लिए बात करते हैं? अरे वाह, बाबा जब बातें करते हैं तो आत्मा से बात करते हैं या देह के, देह को देख करके बात करते हैं? आत्मा के लिए बोलते हैं। बाबा, हाँ, अभी अब गोजी लोग को बचाने की वजह से कालिना शंकर जी को लोग ले लिए है, अब गोजी लोग को बचाने के लिए कालिना शंकर जी के लिए लिए सभी महादेव ने दिखाया तो क्या शंकर जी को काली माँ को बचाने के लिए, काली माँ को बचाने के लिए
अघोरी को बचाने के लिए, अघोरी को बचाने के लिए मतलब शंकर जी को नील जाती है, शंकर को लिंगल जाती है। अघोरी कौन है? अघोरी कौन है? अघोरी तो सादा बच्चे ही है जो गलत काम करते हैं। उसमें जो सीरियल में अघोरी का पार्ट दिखाया गया है वो किसका है? वो भी तो महाकाली को समझना है कि अघोरी कौन है। जैसे पार्वती चक्करी में आ जाती है, पार्वती परीक्षा लेने के लिए वनवासिनी का रूप धारण करती है, तो पार्वती की बुद्धि में आता है असलियत क्या है? नहीं आता ना। ऐसे ही महाकाली की बुद्धि में नहीं आता है असलियत क्या है। और मतलब ये न्यूज में आया है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे इंडिया में सूरज नहीं निकलेगा, तो इसका बेहद में क्या अर्थ होगा? ऐसा होता है कि इंडिया में सूरज न निकले और पाकिस्तान में सूरज निकले, ऐसे हो सकता है? हैं? इंडिया में सूरज न निकले और नेपाल में निकले, ऐसे हो सकता है? अरे सूरज निकलेगा तो सारी दुनिया में निकलेगा, नहीं निकलेगा तो सारी दुनिया में नहीं निकलेगा। कौन है ज्ञान सूर्य? है? अरे ज्ञान सूर्य का पार्ट है या नहीं है? है तो ये हो सकता है न निकले माने गुप्त हो जाए थोड़े समय के लिए, कहीं बारन टारंट निकलता है किसी का तो क्या करता है? हैं? अंडरग्राउंड हो जाता है। और हाँ मुरली में बोला है कि भारतवासियों ने सातों में दुर्गति को पाई है, तो बाबा ये जो हमारा ज्ञान है उसमें भी तो आदि से लेके अभी तक जो सारी बातें सुनी थी नई बातें, तो आदि से लेके अभी तक सारी बातें सुनी थी नई चल रही है ना, तो इससे कैसे भारतवासी चल जल्दी हो पाएंगे? हाँ तो दीदी दादियों द्वारा सुनी हुई बातों को बाबा की वाणी से टैली किए बगैर क्यों मान लेते हैं? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारों की भी जो मत मिले उसे भी मुरली से टैली करना है या नहीं करना है? या जो जो कुछ कहता है सत्य बच्चन महाराज मान लेना नहीं मानना? अष्टदेव और नवरत्नों के बारे में क्या बारे में जो पूछो तो बताएं। अष्टदेव देवता हैं, देव आत्माएं हैं, सूर्यवंशी हैं, और जो अष्ट रत्न हैं वो कम पावर वाले हैं एक दूसरे से। रत्न होते हैं ना, कोई हीरा है रत्न, कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, कोई माणिक है, कोई मोती है, कोई पुखराज है, तो पुखराज की कोई कीमत नहीं है, वो भी रत्न। हीरा सबसे बड़ा ज्यादा मूल्यवान है, फिर नंबर वार मूल्यवान है, तो जो और धर्म है वो नंबर वार है, उनके मुखिया 12-12 के 9 ग्रुप है ना माला में, तो जो 12-12 के 9 ग्रुप हैं, उनमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं 12-12, और बाकी सब और प्रकार के हैं, कम पावर वाले हैं, तो उनके जो मुखिया हैं उनको रतन कहा गया। वो सूर्यवंशी हैं सब नहीं? शरीर से आत्मा जो गुजर जाती है
तो पानी को क्यों देते हैं हम पानी की बनी ना है पानी क्यों देते हैं पानी देते हैं पानी क्यों देते हैं ज्ञान जल तापमान हाँ पानी क्यों देते हैं अरे यहाँ ज्ञान में मरते हैं कि नहीं अरे ज्ञान में सरेंडर होते हैं तो दुनिया से मरते हैं कि नहीं अरे जो सरेंडर हो जाते हैं वो दुनिया से मर गए या नहीं मर गए अगर सच्चे सच्चे सरेंडर हुए हैं तो जो सरेंडर हो गए उनको श्रीमत के अनुकूल चलना पड़े कि नहीं चलना पड़े और श्रीमत के अनुकूल चलने का मतलब क्या है दुनिया में जिंदा रहना या मर जाना मर जाना तो जो दुनिया से मरेगा वो ज्ञान लेगा तभी तो मर पाएगा पूरा आज की मुरली में भी क्या आया क्लास रोज करना चाहिए या कभी करें कभी ना करें रोज करना चाहिए तो ये ज्ञान जल है ज्ञान जल छिड़कते ही रहना चाहिए मरने वालों के ऊपर हाँ ब्रह्मा बाबा मर गए कि नहीं अरे बोलो मर गए उनको भोजन खिलाते हैं कि नहीं गुलजार दादी में हैं खिलाते हैं हाँ हाँ शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया हाँ कामदेव को भस्म किया तो उनको बच्चे कहाँ से आए जो भस्म किया वो काम वासना कौन सी इंद्रिय में होती है सबसे जास्ती बोलो ना अब पूछते हो तो जवाब भी दो ना हैं हैं काम इंद्रिय में वासना होती है ना तो शंकर जी ने उस वासना को खत्म कर दिया उसको देवता का नाम दे दिया वो देवता बन गया वही है कामो अनंग माना अंग से काम नहीं करेगा सतयुग में जो भ्रष्ट इंद्रिया है ना भ्रष्ट इंद्रिय से काम नहीं करेगा ज्ञान इंद्रियों से काम करेगा अनंग काम हो जाएगा उसको अंग वो अंग होगा ही नहीं इसलिए काम नहीं करेगा तो किससे काम करेगा नई सृष्टि कहाँ से आएगी तो बता दिया मुख से जो ज्ञान सुनेंगे वो क्या बनेंगे मुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं हाँ। जब पति की मृत्यु हो जाती है हाँ। तो पत्नी में कहा जाता है कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म तुम विधवा हो गई हाँ। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म खराब थे तुम विधवा हो गई हाँ। क्या पत्नी के कर्मों से होता है पूर्व जन्म के कर्म नहीं होते तो पत्नी के कर्मों से पति की मृत्यु होती है पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए जिसे लगातार का साथ नहीं जीवन में मिल सका और पति के कर्म मतलब बुरे ही है? पति के कर्म जो वो नहीं देखे जाते पति के पूर्व जन्म के कर्म कौन देखेगा और पत्नी के पूर्व जन्म के कर्म कौन देखेगा जैसे कोई देखेगा हम तुम में से कोई देखेगा या तो संपूर्ण ज्ञानी हो जाए तो देखेगा अब हम लोगों में से पूरा ज्ञानी तो कोई है नहीं अपनी आत्मा के ही अनेक जन्मों को नहीं जानते तो दूसरों का तो बाद में जानने की बात है पूर्व जन्म में अच्छे बुरे कर्म दोनों ने नहीं किए होंगे ये होंगे कि नहीं किसी की पत्नी मर जाती है तो किसी का पति मर जाता है
वाल्मीकि डाकू थे, उनका नाम था, उनका नाम था पहले का। फिर जब उन्होंने रामायण लिखी तब ये नाम बदल गया। और आपने तो इन आगे वालों को सबको बहरा बना दिया हमारी तरह। हाँ, दुख हरता सुख करता गाया हुआ है। हाँ, तो एक भगवान ही तो दुख हरता सुख करता है, और कोई मनुष्य का टाइटल हो सकता है क्या? वो अपने ही दुख नहीं हरण कर पाते हैं तो सबके दुख हरण कहाँ से करेंगे? एक भगवान ही है जो सारी दुनिया का, सारी दुनिया की सभी आत्माओं का दुख हरण कर लेते हैं, दुखों से मुक्ति हो जाती है, मुक्ति दाम में ले जाते हैं। जो बच्चा बुद्धि कही जाती है और सालिम बुद्धि कही जाती है, कोई पाप होता है जैसे बच्चा किसी की हत्या कर दे तो उसको ज्यादा दंड मिलता है या कम दंड मिलता है? बोलो है? कम मिलता। क्यों क्यों कम दंड मिलता है? क्योंकि क्योंकि बच्चा बुद्धि है, तो ये सारा बुद्धि के ऊपर है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बुद्धि ना के बराबर है, जैसे जैसे बड़ा होगा बुद्धि भी बड़ी होती जाती है। तो बुद्धि क्या फैसला लेती है, क्या ऐसी बुद्धि है, कैसे संस्कारों वाली बुद्धि है, वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। कोई बड़े होके बड़ा विद्वान बन जाता है, कोई बड़े होके बड़ा पापी बन जाता है, ये सारा बुद्धि का खेल है। और बुद्धि का जो वरदान है, बुद्धि की जो हजार नियामत है, वो पूर्व जन्म के आधार पर मिलती है। संगम युग में 63 जन्म के आधार पर मिलती है। 63 जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो बुद्धि कैसी मिलेगी? अच्छी बुद्धि मिलती है श्रीमत को पालन करने वाली। और 63 जन्म में बहुत खराब खराब कर्म किए हैं तो श्रीमत के विपरीत चलने वाली बुद्धि मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 63 जन्म में तो कर्मों की गति को जानते ही नहीं थे। जानते थे? अभी इस जन्म में कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है ये भगवान आकर के सिखा रहा है।
और अभी भी वो ज्ञान ने लिया तो जो अगले 84 जन्म है या 63 जन्म है वो अच्छे मिलेंगे या खराब मिलेंगे? खराब ही मिलेंगे। ओम शांति। हाँ जी, जो प्रेमिक दल के बच्चे पैदा होंगे, जो प्रेमिक दल के बच्चे पैदा होंगे बच्चे तो अभी 16 कला संपूर्ण उनको कहा जाएगा कि जो संगम में वाइब्रेशन से पैदा होंगे। वाइब्रेशन तो बहुत ऊंची चीज है, दृष्टि उसके मुकाबले नीची चीज है। दृष्टि जहाँ तक जावेगी वहां तक काम करेगी और वाइब्रेशन कहाँ तक जा सकता है? सारी दुनिया में चारों तरफ वाइब्रेशन जा सकता है, तो ज्यादा पावरफुल क्या हुआ? वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हुआ। और खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो के पूछ। हाँ, माया प्रकृति से हाथ क्यों मिला लेती? माया प्रकृति से हाथ क्यों मिला लेती है? प्रकृति, कृति माने रचना, कार्य, किसका कार्य? भगवान का कार्य, भगवान की रचना प्रकृति, प्रकृष्ट रचना, प्रकृष्ट माने बहुत ताकतवर रचना, माना माया इतनी ताकतवर नहीं है कि सारी दुनिया को खलास कर सके। क्या माया जो है, जो ईश्वर के बच्चे बनते हैं पक्के पक्के, उनके सामने कमजोर, अब सुनती नहीं, कमजोर पड़ जाती है। जो दुनिया वाले और बच्चे हैं जो भगवान के पक्के पक्के नहीं बन पाते, उनके सामने दबंग पड़ जाती है। तो जो प्रकृतिपति बनने वाले बच्चे हैं, प्रकृति के ऊपर भी कंट्रोल करने वाले बच्चे हैं, उनके सामने माया जब हार खा जाती है तो वो प्रकृति का सहारा लेती है। वो जानती है कि मैं तो सारी दुनिया का संहार नहीं कर सकती, लेकिन प्रकृति में तो इतनी ताकत है कि वो भूकंप लाएगी तो सारी दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग भरे पड़े हैं, वो सब सब मर पड़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। प्रकृति जब प्रकुपित होती है, क्रोध में आती है, तामसी बनती है,
तो पहाड़ टूटने लग पड़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमीन में समा जाते हैं, सागर बौखलाने लगता है, और ये हवाएं बड़े बड़े तूफान लाती हैं, सारी दुनिया में आग बरसती है, बरसात इतनी जोर से होती है लगातार कई दिनों तक कि सारी दुनिया में बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है पानी की। शास्त्र में लिखा है जलमयी, तो माया तो जानती है, माया भी बेटी और प्रकृति भी बाप की रचना, दोनों रचना है, लेकिन माया बाप के बच्चों के पुरुषार्थ के सामने जब कमजोर पड़ जाती है तो घबरा जाती है, फिर वो किससे हाथ मिलाती है, प्रकृति से हाथ मिला ही लेती है। आया समझ में, क्यों हाथ मिलाती है, ऐसे तो करती है, फिर सुनती नहीं ध्यान से। हाँ और है कहाँ घर में, हाँ माँ संगठन में नहीं आ सकती, बच्ची कर चुकी नहीं कर रही है। तो बाप जब बाप के हाँ छोड़ के नहीं जा सकते आप, हाँ तो आप लेके आ सकते हैं, आश्रम में नीचे बैठा दो, कोई माता नहीं रहती है, माता नहीं रहती है, ले आओ नीचे, नीचे बैठा दो छोटे हाल में, है अब नहीं आती तो उसका क्या इलाज, किसी की इच्छा नहीं है, सारी दुनिया को तुम जबरदस्ती अभी अभी ज्ञान में चला लोगे, है जबरदस्ती करना है क्या, फिर क्या बैठो। हाँ है त्रेता के अंत तक सिर्फ 8-10 करोड़ आत्माएं ही आती है, देवता धर्म वाली हर धर्म की आत्माएं जब तक सृष्टि का विनाश हो तब तक ऊपर से नीचे आती ही रहती हैं। हर धर्म की आत्माओं की संख्या कलयुग के अंत तक बढ़नी ही बढ़नी है, तो देवता धर्म की भी बढ़ती है, ऐसे थोड़े ही कि त्रेता के बाद देवता ही आत्माएं, देवता धर्म की आत्माएं आना बंद हो जाएंगी, नहीं आती ही रहती है। कलयुग के अंत में 23 करोड़ और आते हैं, और 10 करोड़ आ गए थे त्रेता के अंत तक, पूरे 33 करोड़ हो गए। कितनी कलाएं, नो कला, कलाएं खत्म,
है वो देवता धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन वो संघ के रंग में आकर के विदेशियों के संघ में आकर के विधर्मियों के संघ में आकर के उनकी सारी कायाकल्प चट्ट हो जाती है, व्यभिचारी बन जाते हैं, अनेक औरतें रखने वाले बन जाते हैं। तो व्यभिचारी शूद्र हो गए ना, ये देवता रहे, इसलिए कहलाते हैं कि वो एक बाप के कंट्रोल में रहने वाले जो हैं भारतवर्ष के अंदर, एक ही परिवार में 70-80 लोग पल रहे हैं, एक चूल्हे पर खाना खा रहे हैं और एक के कंट्रोल में रहते हैं, पूरा पूरा परिवार एक के कंट्रोल में, उस परिवार में एक ही धारणा को मानने वाले होंगे, एक ही धर्म, एक ही बाप का राज्य, एक ही कुल और एक ही उनकी मातृभाषा होगी, दूसरी मातृभाषा नहीं होगी, ऐसे ही सत्युग में होता है, इसीलिए वो देवता धर्म के कहे जाते हैं। अद्वैत को देवता कहा जाता है, द्वैतवाद को देवता नहीं कहा जाता, द्वैतवाद को दिति की संतान दैत्य कहा जाता है। आज जो भारत में ऐसे ऐसे परिवार मिल रहे हैं जिनका कंट्रोल एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, वो अद्वैत की संतान है, द्वैतवाद की संतान नहीं है, इसीलिए देवता कहा जाता है। अद्वैत माने देवता, द्वैत माने दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मान्यताएं, ऐसे होता है ना। एक घर में जो बच्चा है वो कांग्रेस को वोट देगा, बच्ची है वो जनता पार्टी को वोट दे रही, पत्नी है वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रही, घर के अंदर ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो देवता धर्म के हैं? हैं? नहीं। हाँ, हम लोगों को परिवर्तन का मतलब है, परिवर्तन एक ही जन्म का होता है या 84 जन्म का परिवर्तन तुम्हें चाहिए? एक ही जन्म का परिवर्तन चाहिए, फिर तो रसिया में जाके रहने लगो, घरवार को छोड़ दो, इंडिया को छोड़ दो, रसिया में जो है वो एक ही जन्म का परिवर्तन लेते हैं, वो नास्तिक हैं और जन्मों को नहीं मानते। तुम्हारा 84 जन्म के बाद जो ये जन्म होगा वो उतना ही हूबहू रिपीट होगा जितना इस जन्म में तुमने अनुभव किया है, इसके आगे का तुमने अनुभव नहीं किया कि क्या होने वाला है, बाकी 83 जन्म का भी तुमने अनुभव नहीं किया, वो भी परिवर्तन होने वाला है। कोई ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, वो बुद्धू बनाते हैं पब्लिक को, आज जैसे ब्रह्मा कुमारियों के भगत कहते बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां इतनी तपस्या करती है, इतना त्याग किया हुआ है, उनकी उनको उनकी उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है उनका, भगवान का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं है, भगवान क्या चीज है वो तुमने नहीं समझा है अभी,
अगर भगवान की ऊंच स्थिति को समझ ले तो उनके लिए कभी महिमा नहीं करेंगे, जिनके इस दुनिया में आने से इस दुनिया की दुर्गति हो गई, मेंटलिटी गिर गई, जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया को ध्वंस करने के लिए एटम बम बनाते हैं, इस स्वदेश में मरे जा रहे हैं। ये उन्हीं की देन है जो उन्होंने लिखा है कि यादवों के पेट में से मूसल निकले लोहे के, उन लोहे के मूसलों से उन्होंने अपने कुल का विनाश किया और सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया। ये सब झूठी बातें हैं, उनका सही अर्थ उन्होंने नहीं बताया। बुद्धि विकारी थी, विकार से जन्म लिया था उन्होंने, गुमूत से, मूत की इंद्रियों से जन्म लिया था, नहीं लिया था। फिर बैठ जाओ। हाँ द्वापर और कलयुग कर्म की संतान। लेकिन त्रेता का जो नाम है, त्रेता का जो नाम है तेरा जन्म के कारण पड़ा, दोनों में अंतर स्वभाव किसमें अंतर? का जो नाम है तेरा जन्म के कारण पड़ रहा है। बाकी मतलब ये है कि सतयुग में राधा कृष्ण जैसी जो आत्माएं जन्म लेंगी वो तो सतयुग में आठ ही जन्म लेंगी ना, कितने लेंगी? आठ जन्म। और त्रेता में कितने जन्म लेंगी? तेरह जन्म। तो उनके आधार पर उसको त्रेता युग कहा गया। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो सत्य क्या है? सत्य इसलिए है उसमें तीन के तेरह नहीं होते हैं, और यहाँ तीन के तेरह हो जाते हैं। जब शिव आते हैं तो तीन को लेकर के आते हैं, उन तीन से सतयुग बनता है। त्रेता में तो तीन के तेरह हो जाते हैं, ये तो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, रैन बैन हो जाना। आपने देखा सीढ़ी के चित्र में नीचे की तीन सीढ़ियां, तीन जन्म जो है कटे हुए हैं, खंडित हैं, उन तीन ने सारी दुनिया को खंडित कर दिया, तीन के तेरह कर दिया। हाँ जी। और वॉइसलेस माने निर्विकारी। मन बुद्धि संस्कार तीन शक्तियाँ, ये वृत्ति क्या चीज है? आत्मा वृत्ति है क्या? बुद्धि के जो वाइब्रेशन होते हैं, जो हर मनुष्य के वाइब्रेशन उसके आसपास चारों तरफ वृत्त बनाते हैं, वो वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन इतना बड़ा भी हो सकता है कि सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ है उसके वाइब्रेशन की लपेट में आ जाएंगी। मन मना भव, मेरे मन में जो संकल्प है वो सबके मन में संकल्प वो समा जाएगा। हाँ जी। कैसे बनती है? मतलब वृत्त, वृत्त, वृत्त से बनती है वृत्ति। ये वृत्त है ना, जो गोला है उसे वृत्त कहते हैं। तो जो विचार करते हैं, विचार किसी विचार की कंसंट्रेट करते हैं, उसी से वाइब्रेशन फैलता है। हाँ जी, हाँ जी। जितना एकाग्रता का वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। घड़ी घड़ी टूटने वाला संकल्प होगा या सारे दिन में ढेर के ढेर संकल्प आते होंगे तो उनमें ताकत नहीं होगी। और
हमारे यहाँ चार आत्माएं हैं, गलती करती और मांगती मेरी के मतलब है। हमारे परिवार में चार आत्माएं हैं जो गलती करती और मानती नहीं है। हाँ। और हमारे यहाँ स्त्रियों को ऐसे बदला जाता जैसे कपड़ा, ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि सतयुग के आदि में बदलाव नहीं होता था। जब सतो प्रधान थे, जब तमो प्रधान होते हैं तो देवताएं जानवर जैसे बन जाते हैं। परिवर्तन तो इस सृष्टि का नियम है ना। तो चार आत्माओं को कैसे बदला जाएगा? हम बदलेंगे तो चार भी बदल जाएंगे। हम ही नहीं बदले हैं, जरा अंदर से देखें हम बदले हैं। ऐसे तो नहीं कोई हाथ रखता है और ढेर हो जाते हैं, ऐसे होना चाहिए। हमको पावरफुल होना है। तो सामने वाले को जवाब भी नहीं दो है, किसी को कुछ कहता नहीं है अब तक, तो जवाब भी नहीं दो। अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है सामना करने की, बाचा से भी सामना किया जाता है कि नहीं? अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है सामना करने की बाचा से, कर्मणा से, धन से, तन से, तो हमको बाबा ने सहन शक्ति दी है। सहन शक्ति से हम सब कुछ जीत सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सहन शक्ति धारण करके शक्ति का पहला पत्ता बनने की शिस्त धारण कर ली। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। वो बोलते जाए आप सुनते जाइए, मारपीट करें आप भाग जाइए। हाँ जी। और आपने देखा कि विष्णु का जो चित्र दिखाते हैं, उस विष्णु के चित्र में विष्णु की रक्षा करने वाला कौन दिखाया है? नाग दिखाया है। विष्णु देवता है, देवता के संग रहने वाला वो नाग है। विष्णु देवता सर्प सर्पणियों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो सर्प सर्पणी भी देवता बनते होंगे या नहीं बनते होंगे? संग के रंग से है बनते हैं, तो उनकी पूजा भी होती है। जैसे कृष्ण के साथ बलराम दिखाते हैं, राम के साथ लक्ष्मण को दिखाते हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मण और बलराम शेषनाग के अवतार थे। असल में वो कैटेगरी कैसी थी? नागों की कैटेगरी है, वो नागों के राजा थे। लेकिन संग किसका किया? लक्ष्मण का जन्म लेकर उन्होंने भगवान का संग किया, बलराम का जन्म लेकर के उन्होंने भगवान का संग किया, तो उनके गुण नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। नागों में भी वो गुण आ जाते हैं। जैसे शंकर के गले पड़ गया कौन है? नाग। तो नाग की पूजा नहीं होगी, संग का रंग जरूर लगता है, तो पूजा भी जरूर होती है। और बात आई पंचमी की, चतुर्थी क्यों नहीं कहते, पंचमी क्यों कहते हैं? तो ये नाग जो है वो पांच प्रकार के नाग हैं। शंकर जी की कमर में काम विकार का नाग, उनकी भुजाओं में क्रोध और लोभ का नाग,
गले में मोह का नाग और सर के ऊपर अहंकार का नाग। इन पांचों को मिला करके पंचमी बन गई। तो पांच नागों की पूजा होती है, क्योंकि वो नाग भी ऐसा संघ का रंग लगाने का पुरुषार्थ करते हैं कि नाग से देव योनि में चले जाते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की गायक तो है, लेकिन ब्रह्मा की रात तो सरस्वती की रात है। ब्रह्मा की रात तो सरस्वती की रात और ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात के बीच है। लेकिन जो ब्रह्मा की रात है वो सरस्वती की रात है। जो ब्रह्मा की रात वो ब्राह्मणों की रात, और सरस्वती भी तो ब्राह्मण है, ब्रह्मा की पुत्री नहीं है तो ब्राह्मण हुई ना। ब्राह्मण ब्राह्मणियों की रात है तो जरूर ब्रह्मा भी रात में है, और ब्रह्मा उजाले में है तो ब्रह्मा कुमार कुमार भी उजाले में जाएंगे जाएंगे नंबर बार। और ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात संगम युग में ही है। अभी वर्तमान समय में ब्रह्मा की रात चल रही है या सवेरा चल रहा है? अभी रात है। ज्ञान सूर्य शिव जिसकी यादगार महाशिवरात्रि है, वो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि अभी पूरी नहीं हुई है। रात्रि के 12 बजे घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होती है। 12 बजे के बाद सूर्य जो नीचे चला गया था पाताल की ओर, वो ऊपर उठने लगता है 12 बजे के बाद। तो अमेरिका से सतयुग होना शुरू हो जाता है सवेरा। इसलिए कहते हैं कि विदेशियों ने बाप को पहले पहचाना। महागौरी की पूजा करती महालक्ष्मी की और गणेश की पूजा करती है, तो उसका क्या मतलब? क्योंकि लक्ष्मी ने गणेश को अपना बच्चा बना लिया था, इसलिए। और माउंट आबू स्कूल का विनाश नहीं होगा? माउंट आबू जो है माउंट पहाड़ का जहाँ भी चल रहे हैं। हाँ हाँ, दुनिया का सबसे गहरा पहाड़ है माउंट पहाड़, उसमें जास्ती भूकंप आएगा, भूकंप से प्रभावित होगा, या दुनिया के दूसरे क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे? है 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 माउंट आबू ज्यादा प्रभावित होगा। माउंट आबू ज्यादा प्रभावित होगा है? जो दुनिया का सबसे गहरा पहाड़ है, एक ही पत्थर का बना हुआ, ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ, जो पत्थर दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है, जब गहराई तक गया है जमीन के, तो वहां भूकंप आ सकता है। उस कोटि का, जिस कोटि का कंपन दुनिया में आ देगा, आएगा नहीं आएगा? इसलिए
जब सारी दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया में अति हो जाएगी, तो 36-37 में माउंट आबू भी खत्म हो जाएगा, वो भी पृथ्वी के गर्त में चला जाएगा। लेकिन तब तक सुरक्षा कहाँ है? है माउंट आबू में, इसीलिए वहां तपस्या भूमि है। माताएं थोड़ा इधर सर को, इधर हो गया।